सुबह का चाय नाश्ता हो, किसी की बर्थडे हो या फिर कोई पार्टी, स्नैक्स के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं कुरकुरे स्नैक्स के कारोबार के बारे में, यानी बेकरी मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के बारे में। बेकरी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, रस्क, कुलचे, पाव, क्रीम रोल, कुकीज़ जैसे तमाम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनके बनाने की प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग पूंजी और संसाधन की ज़रूरत होती है। कुलचे, केक, रस्क और पेस्ट्री जैसे तमाम आइटम तो आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, बस इसके लिए आपके पास ओवन, मोल्ड, मिक्सर और टेबल जैसे कुछ बेसिक संसाधन होने चाहिए। ये सभी चीज़ें 15 से 20 लाख रुपए में आ जाएंगी। इनमें ओवन ही करीब 10 लाख का आता है। बेकरी का कोई भी आइटम आप बनाएं, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप रस्क का प्रोडक्शन करना बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मशीन बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, कम से कम 5 लाख रुपए की। बिस्किट को बिना ड्रॉपिंग मशीन के नहीं बना सकते हैं, ये करीब 14 लाख की आती है। इसी तरह केक और पेस्ट्री के स्पंज के लिए भी मशीन और टूल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मार्केट में 5000 रुपये में ही उपलब्ध है। ब्रेड बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, इसके लिए अधिक पूंजी भी चाहिए, इसे स्मॉल स्केल पर करना संभव नहीं है। बेकरी बिजनेस के लिए कम से कम 500 गज का एरिया चाहिए, क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए भी जगह की ज़रूरत होती है। शुरुआत में इस कारोबार में करीब 10 लोग चाहिए, इनमें कम से कम 4-5 लोग ट्रेंड होने चाहिए, ऐसे इसलिए कि सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग शेफ की ज़रूरत होती है। आजकल कई संस्थानों में बेकरी के बाकायदा कोर्स संचालित हो रहे हैं, जहां लोगों को प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, वह स्वादिष्ट होगा और साफ सफाई रखेंगे तो तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। शुरुआत आपको कुछ इनोवेटिव बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ करनी होगी, इससे मार्केट में पहचान बनाने में आसानी होगी और कंपटीशन भी ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा।